मेरे प्यारे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पटना के चिड़ियाघर, आप देख सकते हैं। और यहाँ से अंदर देखिए, अंदर जा रहे हैं, अंदर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। चलिए आपको लिए चलते हैं अंदर और आपको वहाँ पर दर्शन कराएंगे वहाँ का। चलिए यहाँ पर देखिए, अब टिकट कटाएंगे। यहाँ पर काउंटर, यहाँ पर टिकट कटता है और उस पर भी काउंटर है, उस पर भी टिकट कटता है। और इस देखिए अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। देख सकते हैं टिकट। क्या दोस्तों, हम चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत है। आपको दिखाते हैं चिड़ियाघर का नज़ारा। आज दोस्तों, हम पटना जू पहुँच चुके हैं और आपको हम फर्स्ट जानवर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं जंगली भेड़िया, जो कि काफ़ी अपने जात में काफ़ी खूंखार होता, एक्टिव रहता है, तो अपने जाति में काफ़ी एक्टिव माना जाता है इसको। आपको और जानवरों से आपको मिलवाते हैं आगे। हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं जिराफ को। अब जिराफ बड़ा जिराफ भी है, छोटा जिराफ। तो आप देख चुके जंगल का सबसे लंबा एनिमल, तो चलिए आपको लिए चलते हैं खूंखार टाइगर के पास। तो आप लोग देख सकते हैं टाइगर, टाइगर जंगल का मांसाहारी एनिमल है। चलिए आपको लिए चलते हैं जंगली बिल्ली के पास। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं जंगली बिल्ली को, और देखिए यहाँ पे तीन चार की संख्या में बैठा हुआ है। हेलो गाइस, तो आपको कुछ जानवरों से आपको रूबरू करवा चुके हैं, और चलिए कुछ जानवर और बाकी हैं उसे भी आपको रूबरू करवा। तो आप देख सकते हैं एमू को, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग के बाद इसी का नंबर आता है और सबसे फुर्तीला पक्षी भी है। तो नहीं आ रहा है, देखिए आ गया है एमू को। आप लोग देख चुके हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं राइनोसोरस को। तो आप देख सकते हैं राइनोसोरस को, जो कि एक सिंग वाला होता है और हाथी के बाद विश्व का दूसरा सबसे वजन वाला और सबसे बड़ा जानवर है। तो गाइस, चलिए आपको राइनोसोरस को तो आप लोग देख चुके हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं भालू। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं सामने में भालू है। बहुत तेज दिमाग का होता है, भालू को सूंघने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है, कुत्ता से दो गुना सूंघने की क्षमता होती है। हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जंगल के काफ़ी रफ्तार में दौड़ने वाला जानवर हिरन, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी झुंड में है। तो गाइस देखिए, काफ़ी खूबसूरत है और छोटी। हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं दरियारी घोड़ा को, जो कि देखिए अपने बाड़े में। तो देख सकते हैं हिप्पोपोटामस, जो कि पानी में भी स्नान कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। जय हिंद, जय भारत।